हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था औसत का, जो पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको औसत का, ठीक है। औसत का मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया, तो सबसे पहले चीज़ें आपको औसत के बारे में मैं फिर से बार बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका चल रहा है सेशन बहुत दिनों के बाद चल रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो वहाँ पर हमारा सेटअप लगा हुआ था, वो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियोज़ नहीं दे पा रहा था। एडुकेशन के संबंधित यानी मैथमेटिक्स हो या फिर आपका रीजनिंग हो, उसके ऊपर आपको वीडियोज़ नहीं मिल रही थी। तो अभी क्या है कि आपको प्रॉपर मिलेगी। मैंने आपको आपको बता दूँ कि मैं लॉकडाउन था, जिसकी वजह से जो मैं डिवाइस खरीद रहा था तो नहीं मिल पा रहा था। तो अभी लॉकडाउन खुला था तो मैंने इसको एक वैकॉम का आपको मैंने लिया है, राइटिंग टैबलेट लिया हुआ है, ठीक है। राइटिंग टैबलेट लिया हुआ, जिसकी वजह से अब आपको मैं, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, और आपको मैं यहीं पे आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं आपको करके पढ़ाऊंगा। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे आपको व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ना है, तो फिर आपको हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। आपको बहुत जल्दी सेटअप का भी प्रोग्राम किया जा रहा है, हो जाता है तो फिर आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने पिछले में पढ़ाया था आपको औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, ठीक है। आपको जानना बहुत आवश्यक है कि एवरेज बराबर क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज बराबर मैंने बताया है संख्याओं का योग, ठीक है, दी गई सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उसका नंबर और उनका योग, यानी कि संख्याओं, यहां से आप कर सकते हैं, दी गई कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी सवाल को आपको बता दूं कि पांच संख्याओं में से पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दुगना है, यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो पांचवी संख्या क्या होगी। यानी जो आपको पांच संख्याएं हैं, पहले उसका योग निकालेंगे, पांच संख्याओं का योग बटे पांच करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा एवरेज आएगा। तो ठीक है, जिस प्रकार इस सवाल को भी मैं आपको बताते चलता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे आपको पहले पार्ट का लिंक मिल जाएगा, पहले पार्ट पे जाइए, उस वीडियो को भी आप देखिए, आपको सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो पहले पार्ट में बता जाता अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया कि आपका एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप इससे भी सीख सकते हैं। यदि आप पहला पार्ट देखना चाहें तो वीडियो के नीचे मैंने बता ही दिया कि आपको लिंक है, वहां से जाकर के आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला सवाल है, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पांच संख्याओं में पहली चार संख्याओं का औसत पाँचवीं संख्या का दोगुना है, यदि पाँचों संख्याओं का औसत 27 है तो पाँचवीं संख्या क्या है, ठीक है। आपको बताना है पांचवी संख्या कौन सी है, और पांच संख्याएं हैं जिनका औसत आपको 27 दिया हुआ है, और कह रहा है कि जो पहली चार संख्याएं हैं उसका औसत पांचवी संख्या का दोगुना है। सवाल स्टार्ट करते हैं, कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था कि आपको जब एवरेज निकालना हो और पांच संख्याएं हो, सात संख्या मतलब संख्याएं दी गई हो कि इतनी संख्याएं हैं, तो आपको उतनी लाइनिंग बना लेनी है। जैसे पांच संख्याएं हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, हमने पांच संख्याएं बना लिया। अब इसका एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया है 27, इन पांच संख्याओं का एवरेज आपको 27 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, जब आपको एवरेज दिया हो तो आपको योग निकाल लेना चाहिए। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन पांचों संख्याओं का, तो योग बराबर होता है औसत, औसत कितना है 27, संख्याएं कितनी है पांच संख्याएं हैं, तो औसत गुणे संख्या बराबर आपका योग आएगा। तो आपका योग कितना हो जाएगा, आपका योग हो जाएगा 135, 27 में यदि हम पाँच का गुणा करें तो 135 हो जाएगा। यानी इन जो पांच संख्याएं हैं इसका योग कितना हो गया, तो 135 इन संख्याओं का योग हो गया। अब देखिए, इसमें जो आपका सवाल है उसमें एक इक्वेशन भी दिया हुआ है कि जो पहली चार संख्याएं हैं उसका औसत आपको पांचवी संख्या का दोगुना है, ठीक है। तो जो पहली चार संख्याएं हैं, यानी कि यहां से लेकर के आपका यहां तक, यही हमारी पहली चार संख्याएं हैं, जो ये पांचवी संख्या है इसका दोगुना इनका एवरेज है, यानी इन चार संख्याओं का एवरेज कितना है हमें नहीं पता है, तो एवरेज जो होगा वो पांचवी संख्या का दोगुना होगा। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो पांचवी संख्या है वो क्या है, एक्स है। तो यदि ये पांचवी संख्या एक्स होगी तो इन चार संख्याओं का एवरेज कितना होगा, इन चार संख्याओं का फिर एवरेज आपको 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
आगे देखिए, तो जो इन चार पांच संख्याओं का योग भी आपको मिला है कितना, 135 मिल चुका है। तो अब यहां से जब चार संख्याओं का एवरेज आपको दे दिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन संख्याओं का योग निकाल लेना है। बहुत आसान हो जाएगा। तो ये चार संख्याओं का योग निकालेंगे आप, तो औसत यानी कि 2x गुणे संख्या यानी कि चार, चार संख्याओं का औसत आपको 2x दिया हुआ है, तो इसका योग हो जाएगा 8x। यानी कि जो ये चार संख्या है इसका योग आपको 8x हो गया, और पांच संख्याओं का योग आपको 135 है, और इसमें आपको पांचवी संख्या x है। तो हम इसी चीज को कर लेते हैं, यानी कि पांचों संख्याओं को जोड़ दें तो हमारा कितना होना चाहिए, 135। हमारे पांच संख्याओं का योग कितना होगा, 8x चार संख्याओं का है और x आपका अकेले है पांचवी संख्या का, तो 8x प्लस x बराबर आपका 135 होना चाहिए। यहां से 8x और 1x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x, और 9x होना चाहिए कितना, 135 के बराबर। तो x बराबर होगा 135 बटा 9, और काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तब x बराबर आपका हो जाएगा 15। और आपसे पूछा है क्या, पांचवी संख्या, और आपकी पांचवी संख्या क्या है, x है। तो x जब आपकी पांचवी संख्या है तो, और x का वैल्यू आपको कितना है, 15 है, तो आप देखिए इसमें 15 ऑप्शन कौन सा है, तो आपको देखिए यहाँ 15 ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई समस्या होती हो, कोई मतलब आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट्स में पूछिएगा। ठीक है, यदि सारी चीजें पसंद आती है तो फिर लाइक जरूर कीजिएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल आज का क्या है। तो अगला सवाल है, यदि आपको जो ये वैकम से जो आपका पेन टैबलेट है इसके द्वारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके माध्यम से, यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या ये चीज आपको थोड़ी सी अजीब लग रही हो, तो आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपका सेटअप तैयार हो रहा है जैसा कि मैंने बता दिया, तो जैसे ही सेटअप तैयार हो जाता है फिर आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से फिर पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए देखिए क्या है, कह रहा है अगला सवाल में कि छह संख्याओं में से पहली पांच संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, और अंतिम पांच संख्याओं का जो एवरेज है औसत है वो कितना है, 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है छह संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमने छह संख्याएं बना लिया, और ध्यान दीजिए अंतिम संख्या आपको दिया है कितना, दिया है 36, हमने अंतिम संख्या को 36 कर लिया। अब क्या करना है, पहली संख्या पूछा है, हमें पहली संख्या नहीं पता है, पहली संख्या चलिए मान लेते हैं x है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है छह संख्याओं और जो में से जो पहली पांच संख्या है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपका पांच संख्या है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, कह रहा जो इनका एवरेज है यहां से लेकर के यहां तक का जो एवरेज है, जो औसत है वो कितना है, 20 है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो एवरेज यदि 20 है, तो यहां से यहां तक का योग कितना हो जाएगा, हम यहीं से योग भी निकाल लेते हैं, तो औसत यानी कि 20 गुणे संख्या यानी कि 5 बराबर कितना होगा, 100 होगा, हो जाएगा। अब देखिए आगे फिर कह रहा है कि अंतिम पांच संख्याओं का औसत, यानी अंतिम का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक यही अंतिम पांच संख्या है, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 24, देख पा रहे हैं यहां से 24 दिया हुआ है। तो कह रहा है यहां से जब यहां तक का 24 एवरेज है, तो यहां से भी हमें योग निकाल लेते हैं, तो यहां से यहां तक का योग कितना हो जाएगा, 24 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए ये सारी चीजें क्लियर हो गई, अब आपको पता है कि ये जो चार संख्याएं हैं, ध्यान से देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये जो चार संख्याएं हैं ये कॉमन हो जा रही हैं, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है कि नहीं है, बराबर से ध्यान दीजिए, ये जो चार संख्याएं हैं इसमें भी जोड़ा गया है इसमें भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो यदि हमें ये चार संख्याएं मिल जाए तो हमें जो आंसर निकालना है वो आसान हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, अब देखिए पांच संख्याओं का योग जो है अंतिम पांच संख्याओं का यानी कि यहां से यहां तक आपका 120 है, और उसमें से आपको जो पांचवी संख्या है वो आपको मिला है क्या, 36, तो ये चार संख्याएं बचेंगी। तो देखिए अब कह रहा है कि 36 प्लस चार संख्याएं और हैं, 36 प्लस चार संख्या ये बराबर होना चाहिए कितना, 120। ठीक है, ये इनका योग है, तो चार संख्याएं का योग कितना हो जाएगा, 120 माइनस 36 कितना हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा, यानी कि 84। चार संख्याओं का योग यहां से हमें कितना मिल गया,
84 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का योग 84 है, और आपको यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ से लेकर के यक्ष से लेकर के यहाँ तक, यानी ये पांच संख्याओं का योग कितना है? 100 है। तो ये चार संख्याओं का योग आपको पता है, तो इसका योग आप निकाल लेंगे, क्योंकि पांचों संख्याओं का योग यहाँ पे 100 है। तो 100 में से यदि हम 84 को माइनस कर लें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो यही वाली संख्या होगी, यक्ष वाली संख्या यही होगी। तो हमें यक्ष का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया? 16। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन नहीं बनता हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है, 16। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल है। आपको योगफल बताना है जो 8 क्रमिक संख्याएं दी हुई हैं। और फ्रेंड्स बात आती है इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो इस सवाल को आप दो मेथड से लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। पहले लाइनिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आपको इन जो मध्य में दो आने वाली संख्याएं हैं पहले उसको मार्किंग कर लेना है। तो मध्य में आने वाली संख्याएं यही दो हैं, ठीक है, यानी ये दो आपकी जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल मध्य में आ रही हैं। अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि इन जो संख्याएं, इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है? वो 6 है, यानी कि जो इनका औसत है, औसत आपको कितना दिया हुआ है? 6 दिया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो इनका योग आपको 6 और औसत है और संख्याएं कितनी है? 2, कितना हो जाएगा? 12। ये दो संख्याओं का योग आपको 12 हो गया। अब देखिए, या तो संख्याओं मान लीजिए, पहली संख्या x मान लीजिए, फिर x प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि क्रमिक संख्याएं हैं, इसके बीच का डिफरेंस 1 होता है। जो क्रमिक संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 4 की वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 यदि हम इसको जोड़ें तो 12 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग आपको कितना है? 12 है। तो 2x प्लस 7 हो जाएगा, ये 2x प्लस 7 बराबर 12। तो x बराबर कितना होगा? तो अभी 2x कर लेते हैं, 7 प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो यहां से आपका x की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, आपको x की वैल्यू पता चल गई, अब टोटल जोड़ के बताना है कि कुल संख्याओं का योग कितना है। तो संख्याओं जोड़ लीजिए कितनी है, 8x है, तो हमने 8x कर लिया। इसके बाद संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 8x प्लस 28 ये आपकी संख्याएं हैं, और x की वैल्यू आपको 2.5 है, और इसमें गुणा करना है हमें 8 का, प्लस 28 जोड़ना है। अब कितना हो जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 8 का गुणा करेंगे तो 20.0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 का गुणा 8 में करेंगे तो 200 होगा, और एक अंक पे दशमलव होता है, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, और इसमें जोड़ना है 28, यानी कि 20 प्लस 28 यानी कि कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सवालों को लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसका आंसर आपका कितना आया? ऑप्शन डी सही है, 48। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल आपको क्या पूछा है। अब देखिए, ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, तो ऐसे यदि सवाल आप देखो परीक्षाओं में यदि आ जाए तो आपका बहुत ही ज्यादा समय बच जाता है। कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। आपको 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो दिया है कितना, 30, और कह रहा है कि जो उस प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, पहले इनका योग निकाल लेते हैं, जो पहले योग है वो कितना है, तो 30 गुणे संख्या यानी कि 10 बराबर 300। तो 10 संख्याओं का योग आपको मिल गया 300, और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, यानी कि 5 जो है वो 10 संख्याओं में जोड़ेंगे हम। तो 10 संख्याओं में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो कितना बढ़ जाएगा संख्या, 50 बढ़ जाएगी, यानी कि पहले वो 300 है और 10 संख्याओं में यदि हम 5-5 जोड़ें तो 50 बढ़ेगा, तो संख्या कितनी, संख्या का योग कितना हो जाएगा, वो 350 हो जाएगा। और आपको औसत निकालना है, औसत बराबर होता है योग,
योग आपका 350 है, बट उस संख्या से भाग देनी होती, संख्या 10 है, 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 35। बट ये आपका जो सवाल है इतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं, या तो आपका कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ऐसे करके होता है तो आपका 35 होता है, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन। अब ये ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे 30 है और प्रत्येक संख्या में आप 5 जोड़ रहे हैं, ये 30 में ही 5 जोड़ दें यहाँ से, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, आपका नया एवरेज 35 हो जाएगी। यानी कि जब आपका शिकाय है कि दी गई संख्याएं या 5-10 की जगह 5 भी हो सकता है, 5 संख्याएं दी गई हैं जिसका औसत आपको 30 है, और यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया एवरेज कितना होगा, तो भी आपका 35 होगा। यानी कि आपका सीधा सीधा समझिए, यदि सवाल का है कि इतनी संख्याओं का औसत आपको इतना है और उसमें कोई संख्या जोड़ने के लिए कहे, तो आप क्या करिए, औसत में ही उस संख्या को जोड़ दीजिए तो आपका नया औसत प्राप्त हो जाएगा। बट ध्यान दीजिए, वो प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए कहा जाए, ठीक है, तभी आप डायरेक्ट इसको औसत में ही जोड़ देंगे तो आपका नया औसत मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा समय बचा सकते हैं। अगले सवाल की चल अब चलें, अगला सवाल देखिए। अब देखिए जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड सवाल है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो वो वे क्रमागत संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, यानी कि मानते हैं 1, 2, 3 संख्याएं हैं, और कह रहा है कि जो वो संख्याओं का औसत है वो कितना है, यानी इन जो तीन संख्याओं का एवरेज है वो कितना है, वो 56 है। ध्यान दीजिएगा, जो वो तीनों संख्याएं हैं उसका जो औसत है वो कितना है, 56 है, तो इनका योग कितना होगा, जब औसत दे दिया है तो इसका योग भी निकल जाएगा, योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या, यानी कि औसत 56 है, संख्या 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, 116 कितना हो जाएगा, 168, ठीक है। आपका संख्याओं का योग यहाँ से आपको 168 मिल गया। अब दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तीसरी संख्या, यानी ये वाली जो संख्या वो सबसे बड़ी होगी और दूसरी वाली संख्या इससे छोटी और सबसे छोटी संख्या बीच वाली। अब हम मान लेते हैं संख्या कौन सी है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, यदि हम y बराबर मान लें 1 है, यदि y बराबर मानते हैं तो 1 यदि मान लें तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो z की वैल्यू निकालने से पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x कितना हो जाएगा, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी कि यदि यह 1 है तो x कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्लियर है, ये 2 हो गया। अब देखिए, अब तब z कितना हो जाएगा, कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी है, तो जेड बराबर कितना होगा, यदि इसका मतलब यक्स जेड का आधा यक्स है तो यक्स का दुगना जेड होगा, यानी कि 4 होगा। अब देखिए, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि देखिए 4 और 2 6 1 7, यानी कि जो हम 7 जोड़ रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 168, यही होना चाहिए, क्योंकि जो हम 7 जोड़ रहे हैं वहां से योग कितना आया है, 168 आया हुआ है, तो 1 7 की वैल्यू 168 के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू 168/7 काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 24 बार में, यानी 1 की वैल्यू आपको 24 हो गई, ठीक है। और आपको बताना है वो संख्याएं, तो अब देखिए 1 कौन सा है, y है, यानी आपकी संख्याएं हैं x y z, तो x की वैल्यू कितनी, पहले देखिए यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल गई 24, तो x की वैल्यू यानी कि 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, और z की वैल्यू 24, 24 में हम 4 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 96, यानी संख्याएं x y z हमने माना था, तो सबसे पहले x लिखेंगे यानी कि 48, उसके बाद हमने y लिखा था कितना, 24, उसके बाद z लिखा था जीत कितना है, 96। अब देखिए ये जो संख्याएं हैं आपका 24, 48 और 96 होंगी, इसमें देखिए कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन डी आपको मिल रहा है जो 48, 24, 96 बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका संख्याएं इतना हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसका जो गुणज होगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि कंडीशंस भी आपको दिया है कि उसका जो एवरेज है वो 56 होना चाहिए, तो इसके अतिरिक्त आप कोई भी संख्या अन्य लेंगे तो 56 नहीं होगा,
जैसे कि मतलब इसको भी जोड़ेंगे तो 56 होगा इसका औसत, इसको भी जोड़ेंगे तो औसत 56 होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो औसत 56 होगा। बट आपके जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस भी फॉलो कराने की, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए, जो पहली संख्या है उसका दुगना दूसरी संख्या है, सॉरी जो पहली संख्या वो दूसरी की दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यहाँ से हो रहा है ना, ये चीजें से आप मेंशन हो गया हूँ जो मैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऐसा बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो यही संख्या होगी। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, जो दूसरी संख्या है उसकी दुगना पहली संख्या है और जो दूसरी पहली संख्या है इसका दुगना तीसरी है, ठीक है। तो यहाँ से यही आपका आंसर सही होगा, नहीं तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ तीनों तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसको यदि हम जोड़ें तो आपका 169 होगा, तो इसका एवरेज आपका 56 ही आएगा, ठीक है। बट ये आपका गलत हो जाएगा यदि आप डायरेक्ट आंसर से करें, ऑप्शन से करेंगे तो। आप ऑप्शन से करिए, बट आपको जो ये संख्याएं हैं वो आपका जो इक्वेशन बनाना है, जो यहाँ पे शर्तें दी हुई है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, उन तीनों का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। ध्यान दीजिए, इसके पहले मैंने सवाल आपको बताया है, बिल्कुल सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा जो इसके वैल्यू हैं वो थोड़े उलट कर दिए गए हैं, थोड़े से फेरबदल उसमें हुए हैं। अब देखिए, सबसे पहले तीन लाइनिंग बनाइए, 1 2 3। अब कह रहा है इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, इन तीनों का जो एवरेज है वो यहाँ से 20 दिया हुआ है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ से इनका योग हो जाएगा 20 गुणे 3, क्योंकि संख्याएं 3 है तो योग हो जाएगा आपका 60। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी की दुगनी है, आप फिर मान लेते हैं पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या हमने z मान लिया। अब कह रहा है पहली संख्या यानी कि x जो है y की दुगना है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की तीन गुनी है। अब देखिए कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, ध्यान देने वाली बात है कि छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ऐसा यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप इक्वेशन बना लीजिए कैसे होगा, जो पहली संख्या दूसरी की दुगनी यानी कि यक्स बराबर 2y होगा, ठीक है। और कह रहा जो दूसरी संख्या है यानी कि वाई जो है वो 3z के बराबर है, तीसरी की तीन गुनी है दूसरी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई, सबसे छोटी संख्या हमारी जेड हो गई। तो यदि हम जेड बराबर यहाँ भी 1 मान लें, जेड बराबर 1 मान लें, तो y बराबर कितना होगा, तो यहाँ से y बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7 6 हो जाएगा आपका। अब देखिए, यहाँ से हमने z बराबर 1 माना तो y बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 6 हो जाएगा, ये आपका जो शर्त दिया हुआ उसके अनुसार ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए, कह रहा है कि इन दो तीनों का योग है वो कितना होना चाहिए, वो 60 होना चाहिए। अब देखिए, कह रहा है इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन तीनों को जोड़ें तो हमारा 10 होगा, क्योंकि 3 और 1 4 और 6 10, तो जो हमारा योग 10 हो रहा है वो योग कितना होना चाहिए, 60, यानी कि जो 10 की वैल्यू है वो 60 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर होगी। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 0 से 0 काट देंगे तो आपका 1 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, 1 की वैल्यू यदि 6 के बराबर है तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही है x वाली, और सबसे छोटी संख्या z है, यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यानी कि x प्लस z को हमें बताना है, तो z की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे z का मान 1 है तो कितना हो जाएगा, 6, तो हमने 6 रख लिया। और x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का गुणा 6 में कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू 36 हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी हो गई 36, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जोड़ दें तो हमारा योगफल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कितना मिल गया, 42। सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सवाल कहीं फंसते हों, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी सवाल आपको फंसते हों उसमें आप हमें पूछ लिया करिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। अब तीन क्रमिक विषम संख्याएं, जो संख्याएं हैं वो विषम है, वो भी बिल्कुल क्रमिक है, यानी कि 1 2
तीन ये क्रमिक विषम संख्याएं हैं। यदि पहली संख्या मान ले यक्स है तो दूसरी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस दो और तीसरी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस चार। क्योंकि क्रमिक सम संख्या हो या क्रमिक विषम संख्या हो, यदि दो क्रमिक सम या विषम संख्या हो तो उनके बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है, वो दो का अंतर होता है। सभी के बीच का दो दो का अंतर है। अब देखिए कह रहा है कि जो उनका एवरेज है, इनका जो औसत है वो कितना है, वो पहली संख्या यानी कि पहली संख्या का एक तिहाई से 12 अधिक है। तो पहली संख्या का तिहाई भाग यही है और उससे 12 अधिक है तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा और साल्व कर लें तो इसके नीचे हम एक मान लेते हैं क्योंकि इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यक्स का गुणा इधर कर लेंगे इसका और इसका गुणा इधर, तो हो जाएगा यक्स प्लस 36/3। ये आपका एवरेज हो गया। अब देखिए, अब जैसे कि एवरेज निकालना होता है वैसे हम एवरेज निकालते हैं, देखते हैं क्या दोनों सेम आता है। तो इसको हम जोड़ लें पहले, यक्स प्लस दो प्लस यक्स प्लस चार, हमने तीनों संख्याओं को जोड़ लिया और बटे तीन कर देंगे क्योंकि संख्याएं तीन हैं। अब कितना हो जाएगा, एक एक्स दो एक्स तीन एक्स, तीन यक्स प्लस चार और दो छः और बटा तीन। ये हमारा दोनों अलग है लेकिन ये दोनों जो वैल्यू है आपस में बराबर होगी, यानी कि 3x प्लस 6/3 ये बराबर होगा x प्लस 36/3 के। बटा 3 और बटा 3 दोनों आपस में कट जाएंगे यानी कि 3x प्लस 6 ये बराबर होगा x प्लस 36 के। x वाली वैल्यू को एक साइड कर लीजिए और नंबर वाली वैल्यू को एक साइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस x बराबर 36 माइनस एक्स छ, कितना हो जाएगा 2x/30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर है आपका यहाँ 15 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आई है वो 15 आई हुई है ठीक नीचे से। तो x की वैल्यू यदि 15 होगी तो ये 15 होगा तो ये 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। पूछा क्या है वही ध्यान दे लेते हैं, पूछा अंतिम संख्या, बहुत आसान, अंतिम संख्या कितनी आपकी 19 है। मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, वरना आप इसको जो कैलकुलेशन है बहुत छोटे छोटे मैंने कैलकुलेशन में बताया है जो कि आप बिना किए भी आंसर ला सकते हैं ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला सवाल और ये आज का हमारा जो होगा वो आखिरी सवाल होगा। इसके अकॉर्डिंग कहीं आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कि हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन रह गया है, आप उसको बता दीजिए तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। आपका ये आखिरी सवाल है, देखिए सवाल क्या है, सवाल को देखिए और समझिए सवाल कैसे हल करते हैं। कह रहा है तीन संख्याओं में, यहाँ से देखिए, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की तीन गुनी है। यदि उन तीन संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। इसके जस्ट मैंने पहले एक सवाल बताया था थोड़ा सा पहले, तो उसमें मैंने बताया था जिस संख्या थी उसमें पहली और आखिरी जो संख्या था उसका योग बताना था और यहाँ पे पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताना है ठीक है। थोड़ा सा चीज़ ध्यान देने वाली बात है, और संख्याएं कितनी है, तीन है, एक दो तीन है, और इनका जो एवरेज है वो कितना है तो 49.5 है। तो योग कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देख लीजिए, एवरेज आपका दिया है 49.5 तो योग कितना हो जाएगा, 49.5 × 3 क्योंकि संख्याएं तीन हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 148.5। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका योग हो जाएगा 148.5। अब कह रहा जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी और तीसरी की तीन गुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की तीन गुनी, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी तीसरी है। हम इसको यदि मान लें यक्स, इसको मान लें वाई और इसको मान लें जेड तो हम लगा सकते हैं। अब हम सबसे छोटी संख्या को मान लेते हैं, यदि एक है तो वाई का मान कितना हो जाएगा, सॉरी तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि यक्स और जेड का इक्वेशन है और वाई और यक्स का इक्वेशन है तो जेड के साथ हम यक्स का ही निकाल सकते हैं। तो यक्स कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा क्योंकि इसका तीन गुना है, जेड का तीन गुना हमने कर लिया। और y क्या है, y का दुगुना x है तो x का आधा y होगा यानी कि y बराबर 1.5 होगा, कितना होगा 1.5, ये एक है, कंफ्यूजन नहीं करना है ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ें तो इसके बराबर होना चाहिए, होना चाहिए यानी x प्लस वाई प्लस जेड करें तो 149.5 होना चाहिए। तो जोड़िए कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5.5 ये बराबर होना चाहिए किसके, 149
48.5 की, यानी जो हमने 5.5 जोड़ा है वो 48.5 के बराबर होना चाहिए, यानी इतना की वैल्यू इतना के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 148.5 भागे 5.5। दशमलव से हम दशमलव यदि हम काट दें तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1485/55। यदि हम 11 से काटें तो ये 5 बार में कट जाएगा, यदि इसको 11 से काटें तो एक बार, फिर 3 बार, फिर 5 बार, फिर 5 से काटें तो ये 27 बार में कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू 27 के बराबर है। कह रहा है पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या हमारी x है यानी कि x का वैल्यू कितना है 3 है, और अंतिम संख्या यानी कि z का वैल्यू कितना है 1 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा 2 होगा, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होगा, और आपको पता है 1 की वैल्यू आपको 27 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 54 हो जाएगी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे 54, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, यदि फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये आज का हमारा आखिरी सवाल था, अब इसके और कई सारे पार्ट्स हैं, आपको वो सारे पार्ट्स अब धीरे धीरे करके सभी पढ़ा दिए जाएंगे, आपको जो आपकी क्लासेस होगी वो आपकी पर डे चलेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ों जो अभी क्लासेस हैं, अभी आपकी जो क्लासेस हैं वो वैकम का जो पेन टैबलेट है उसी के माध्यम से अभी चलाने वाला हूं, क्योंकि अभी हमने सेटअप नहीं कर पाया है, जैसे ही थोड़ा सा अब हमें टाइम मिलता है तो जैसे ही सेटअप हो जाता है व्हाइट बोर्ड का तो फिर हम आपको स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं केवल व्हाइट बोर्ड से ही सेटअप मेंट हो जाता है, एक जगह भी चाहिए होती है पर्टिकुलर जहाँ से नॉइज ना हो, आपको सारी चीज़ों की दिक्कतें ना हो, लाइट्स हो, सारी चीज़ों का व्यवस्था करना होता है, उसके बाद हम एक क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड कर पाते हैं और एक क्लास आपको दे पाते हैं, ठीक है। तो आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी आपको क्लासेस पढ़ाई जाएंगे उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे बस नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।